आप सबका मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि प्रदेश के अलग अलग कोनों से आप लोग आए हो और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने योगदान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज धारीवाल जी पूरे मूड में थे, आपने उनका भाषण सुना और मैं सोच रहा था कि धारीवाल साहब इसी जो आज उन्होंने भाषण दिया, जिस शैली में अपनी बात को रखा, थोड़ा इतना ही जोर अपन एक डेढ़ साल पहले लगाते तो हड़ौती में 5-7 सीट अपन और जीत के निकालते। जो बात उन्होंने बोली उसको ध्यान से हमें समझना भी चाहिए और उसका राजनीतिक क्या असर पड़ा है और क्या पड़ेगा उस पर बहुत गहर चिंतन करना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में सब लोग अपनी बातें बोली, प्रोफेसर सतीश कुमार साहब ने, डॉक्टर पांडे ने और उसके बाद हमारी प्रधान महोदया ने भाषण दिया। आप सब लोग सुबह से बैठे हो, समय कम था, आप लोग तालियां बजा रहे थे, हम समझ रहे थे आप तालियां क्यों बजा रहे हो, खासकर हमारे भरतपुर के इलाके के लोग आए मेरे ख्याल में, आप जयकारे लगा रहे थे। लेकिन आप कल्पना करो जिस महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं उसको इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया, हो सकता है कि भाषण का लचीला ना हो, आपको मोहित ना कर सके, लेकिन कोई महिला प्रतिनिधि मंच पर खड़े होकर आपसे भाषण कर रही, मुझे लगता है कि आप लोगों को मन से तालियां बजानी चाहिए। लेकिन उसके बाद हमारे जम्मू साहब आए जो ठेठ पाकिस्तान के बॉर्डर से जिले की आती हैं और श्रीमती अंजना मेघवाल जी ने जो भाषण दिया उसको आपने ध्यान से सुना क्योंकि उन्होंने आपको शुरू में टाइप कर दिया। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर आए हूँ, तुम सब समझ लो, और अच्छा भाषण दिया, इतना अच्छा भाषण दिया कि मैं सोचता हूँ कि रूपाराम जी को सोचना पड़ेगा दो बार कि अभी तो आपने प्रमुख बनाया है, आने वाले समय का मजा कितना होगा। लेकिन जो देश आज का कार्यक्रम है, राजीव गांधी जी के 75वीं जनशताब्दी का जो आज आयोजन हम लोगों ने किया है और साल भरे आयोजन सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर मनाएंगे, ये गौरवमय दिन है। आज राजीव गांधी जी इस देश में हमारे बीच में दुनिया में नहीं, और ये बात भी सच है कि उनके स्वर्गवास को आज 28 साल से ज्यादा हो गए। 70% इस देश की जनसंख्या जो है वो उनके गोद जाने के बाद पैदा हुई, लेकिन उन्होंने राजनीति में, हमारी कांग्रेस पार्टी में, देश में, प्रशासन में, भारतीय सरकार में जो काम किए, जो वो करना चाहते थे, जिस दिशा में उन्होंने देश को मोड़ा, सोच में परिवर्तन लेकर जो आए, और मैं ये अतिशोक्ति नहीं मानता हूं साथियों, भारतवर्ष में एक ऐसी पीढ़ी थी जो राजनीति में आने के लिए प्रेरित राजीव गांधी से हुआ करते थे। उस पीढ़ी के लोग शायद कांग्रेस के समर्थक ना भी होते हों, लेकिन राजीव गांधी जी के विशाल व्यक्तित्व को देखकर, उनके चेहरे की मुस्कान को देखकर, उनकी साफ शैली और काम करने की क्षमता को देखकर, उनके सरल स्वभाव को देखकर लोग प्रभावित थे। उनके विरोधी भी बोलते थे कि आज राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने हैं, दुनिया हमको देखती है, आज इस राष्ट्र का नाम रोशन किया, दुनिया में किसी मंच पर जाकर बोलते थे तो लोग सुनते थे, क्योंकि एक नयापन था, एक नई सोच थी, एक ऊर्जा थी, एक कौशल था, और राजीव गांधी जी ने राजनीति को एक नई पहचान दी। राजीव गांधी जी ने बहुत से काम किए, उसका उल्लेख पूर्व वक्ताओं ने किया, विस्तार से किया, संविधान में संशोधन लेकर आए, महिला सशक्तिकरण की बात करी, गांव पंचायतों को ताकत देने की बात उन्होंने करी, और मैं मानता हूं जो क्रांति को लेकर आए थे उसका अनुभव, उसका लाभ हम लोग आज ले रहे हैं। 80 के दशक में फोन मिलाने से पहले सोचना पड़ता था, और मुझे याद है कि शाम के टाइम, रात के वक्त जो फोन कॉल थी, ट्रंक कॉल थी, उसके दाम आधे हुआ करते थे। तो
तो रात को ट्रंप कॉल बुक होती थी, जरूरी बात करनी है तो लाइटनिंग कॉल किया करते थे, मिले ना मिले, और फोन पर भी अगर आवाज आती भी थी तो लोग जोर जोर से चिल्ला के फोन पर बोला करते थे। और ये बहुत 100-150 साल पुरानी बात नहीं है, 25-30 साल पहले हालात ये थे देश में। ये सब स्थापना जो राजीव गांधी जी ने करी, सी डॉट की स्थापना करी, ताकि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो देश के अंदर हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये राजीव जी के कार्यकाल में हुई थी। देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने की जो सोच उनकी थी, उसी के कारण हम सब लोग आज समय के साथ बहुत बदलाव आए हैं और बदलाव आने भी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इस बदलाव की शुरुआत करी, जिन लोगों ने साहस दिखाया, एक नए रास्ते पर चलने का उन्होंने जो कदम उठाया था, उसी रास्ते का अनुसरण हम लोग आज कर रहे हैं। आज पंचायती राज एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसको हम अपना अधिकार मानते, और है भी हमारा अधिकार, लेकिन इसको आज हमारा कर्तव्य है, आज हमारी जिम्मेदारी कि इस संस्था को और गहरा और व्यापक और मजबूत कैसे बनाया जाए। पंचायती राज के अलग अलग मायने, अलग अलग राज्यों में अलग अलग काम करने के तरीके हैं, लेकिन अंततः उद्देश्य है कि गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति अपने जीवन का, अपने विकास का, अपने आर्थिक भविष्य का निर्माण खुद कर सकता है। निर्णय लेने की ताकत उसकी कलम में दी है, आज हमें उसको ताकतवर बनाना है। और मुझे बताते हुए खुशी है, 9 महीने पहले जब सरकार बनी थी आप लोगों के आशीर्वाद से, तब से लेकर अब तक हमने कुछ ऐसे कदम उठाए। पिछली सरकार के कार्यकाल के अंत में नरेगा के माध्यम से सिर्फ 9 लाख लोग रोजगार पा रहे थे, मुझे खुशी है कि आज 33 लाख लोग नरेगा से रोजगार पा रहे हैं। वो ही योजना है, वही अधिकारी है, वही कर्मचारी है, वही 7 करोड़ लोग हैं। संकल्प शक्ति अगर हो और सचमुच आप लोगों की मदद करना चाहते हो तो साधनों की कमी नहीं आती, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, करने का संकल्प होना चाहिए। धारीवाल साहब ने बताया, पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए सरपंच के लिए, प्रधान के लिए, 8वीं 10वीं। हमें लगा ये हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, आने चाहिए, साफ छली के लोग, नौजवान लोग, ऐसे लोग जिनका देश के भविष्य विश्वास हो, जो शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो। लेकिन आप लोगों को वंचित रखो, क्योंकि आप 10वीं पास नहीं 8वीं पास नहीं। हमारी पार्टी ने, हम तो विपक्ष में थे तब निर्णय लिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले इस शिक्षा के जो मापदंड बनाए हैं आपने, इनको हम खत्म करेंगे। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने स्थान को किया, सांसद बनकर देश का नीति निर्माण हम कर सकते हैं, विधायक हम बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन गांव में हैंडपंप का लगेगा, कुआं का खुदेगा, खरंजा का खुदेगा, उसके लिए आपको 10वीं पास होना पड़ेगा। ये मापदंड जो लगाए थे हमें लगा गलत था, मुझे खुशी है कि सरकार ने हम लोगों ने इसको खत्म किया है। राजीव गांधी जी लेकर आए थे दल बदल कानून, लेकिन दल बदल कानून पंचायती राज में या नगर पालिकाओं में लागू नहीं होगा। पर बात की सच है कि चुनाव जीतने के बाद दबाव आता था, खरीद फरोख्त होती थी, पैसे का दुरुपयोग होता था। इसलिए मुझे खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने सीधे चुनाव करने की बात करी। अभी विष्णु लाटा जी ने लंबा भाषण दिया, मैं समझ सकता हूं जयपुर के चुनाव आ रहे हैं, आपका लंबा भाषण देना जनता का, लेकिन लॉटरी निकलेगी मुझे पता नहीं वो सीट किसकी आएगी, महिला की होगी, पुरुष की होगी, गतिशील रहे, यही राजनीति है, गतिशील रहना चाहिए। अभी हमारे जिला प्रमुख जसेंद्र जी बोल रहे थे कि पूछा गया आपको आरएस का एग्जाम देना है, चुनाव लड़ना है। मैं समझता हूं कम से कम इस हॉल में जो लोग मौजूद हैं उनमें से आप किसी से पूछ लो वो सब चुनाव लड़ने की बात करेंगे। आरएस कोई सा एग्जाम हो, लेकिन राजनीति की तरफ आकर्षित लोग तब होंगे
जब अच्छे परिणाम आएंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति से दूरी बनाए, खासकर नौजवान। राजीव जी का सपना था कि नौजवानों को सिर्फ उम्र कम करने तक उनका सोच सीमित नहीं थी कि आप 21 के जगह 18 साल के हो जाओ, लेकिन राजनीति में इन्वॉल्व कैसे रहें, अपनी हाजिरी दर्ज हो, वोट के साथ साथ जवाबदेही तय हो। हमारे वार्ड वन से लेकर एमपी तक जो लोग जनता के बीच चुनकर जाते हैं, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए हम लोगों को, नौजवानों को आकर्षित करना पड़ेगा राजनीति में। हर व्यक्ति नेता ना बने, लेकिन देश की राजनीति में वो अपनी भूमिका निभाए, ये काम राजीव जी ने किया था और युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा उन्होंने दी थी। पूरे साल भर तक हम अलग अलग आयोजन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा साथियों, ऐसे बहुत से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजीव जी को देखा नहीं, जिनको जानकारी सीमित है उनके बारे में। इसलिए हमें न सिर्फ उनका, उनके व्यक्तित्व का, उनकी कार्यप्रणाली का, लेकिन उनके माध्यम से किए गए जो काम है वो जनता तक ले जाने चाहिए, ताकि नौजवानों के अंदर वो प्रेरणा जगती रहे। और जब तक नौजवान अपने कंधों पर इस देश के भविष्य का भार नहीं संभालेंगे, जब तक राजस्थान और देश भर के नौजवान को नहीं लगेगा कि आने वाले भविष्य का वो हिस्सा है, वो दूरी जो है राजनेताओं में जनता में जब तक वो कम नहीं होगी, तब तक सही मानने में लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इस देश में लोकतंत्र मजबूत है, हमारा संविधान सर्वप्रिय है, लेकिन जो लोग संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, जो लोग संविधान के प्रावधानों को का उल्लंघन करके राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों से हमको सचेत रहना पड़ेगा। आने वाला समय आप लोगों का है, आने वाला समय राजस्थान की जनता का है, जिन 7 करोड़ लोगों ने आशीर्वाद देकर हम लोगों को स्लाइड बनाया कि हम आपके लिए काम कर सकें, उन लोगों की आकांक्षाओं पर पूरा खड़ा करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है, बहुत सी उम्मीद लोगों की है, आपकी भी है, जनता की भी है, लेकिन मैं समझता हूं हमारी पार्टी, हमारी पार्टी के नेताओं ने जो रास्ता हमको दिखाया है, वो लोगों के प्रति समर्पित रहने का दिखाया है। इसलिए आज राजीव जी का जो जन्म दिवस है, उसको एक उत्सव के रूप में हमको मनाना चाहिए। और आप जब अपने अपने घरों में जाओ, तो अगले 12 महीने तक चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो, चाहे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई बहने, महिला हैं, जो समाज से पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। अंततः जो भी सरकार की नीति है, कोई भी कार्यक्रम है, वो लाभार्थियों तक कैसे पहुंच सकता है, लाभार्थी को मदद देने के लिए सारा नीति निर्माण होता है। हम और आप कामयाब तब होंगे जब सारी स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को, योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाएं और जो काम शुरू किया है उसको खत्म करने का काम हम करेंगे, तभी हमें लगता है कि हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे। साथियों, मैं इस मौके पर आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग जो सरकार का हिस्सा है, हम आप लोगों के सहयोग से यहां पहुंचे हैं। जब भी आप लोगों को कुछ बताना हो, सुझाव देने हो, अपनी बात रखनी हो, या आपको लगता हो कि इस पॉलिसी में कुछ बेहतर कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर 1 महीने पहले मैं कार्यक्रम में गया, वहां पर सुझाव आया कि नरेगा में जो लोग काम करते हैं और गांव और देहात में जो दिव्यांग हैं या जो बुजुर्ग हैं, वो लेबर का काम नहीं कर पाते, तो हमारे विभाग के माध्यम से हम अतिरिक्त नियम बनाएंगे दिव्यांगों के लिए और वृद्ध आयु के लोगों के लिए कि आप अगर हार्ड लेबर ना करें तो कुछ और काम करें, ताकि आप नरेगा की योजना में हो सकते हैं। इसी प्रकार से संवाद होता रहे, विचारों का आदान प्रदान होता रहे, तो हमें लगता है कि देश और प्रदेश के लिए बहुत बेहतर संकेत होंगे। इस मौके पर पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ और राजीव जी को याद करते हुए, जैसा मैंने कहा, राजीव गांधी जी इस देश की पूरी एक पीढ़ी के लिए एक आइकॉन रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति से एक अमिट छाप इस देश के दिलो दिमाग पर लोगों के छोड़ी है। आज उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।